इस वक्त यहूदियों ने फलस्तीन को तहस नहस कर दिया है, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, मसाजिद को, अस्पतालों को शहीद कर दिया, मिलिया मेट कर दिया। एक लफ्ज नहीं निकला नवाज शरीफ की जबान से, एक लफ्ज नहीं निकला आपकी मरियम, आपकी बहन मरियम नवाज के अल्फाज से, एक लफ्ज नहीं निकला शहबाज शरीफ की जबान से, एक लफ्ज नहीं निकला जरदारी की जबान। ये हैं उनके एजेंट, ये हैं उनके पिट्ठू। और इमरान खान की हुकूमत में जब इसराइल के ऊपर, इसराइल ने अटैक किया था फलस्तीन के ऊपर, इमरान खान तिल मिला उठा था। 27 रमजान अल मुबारक को इसराइल ने अटैक किया था फलस्तीनियों पर, इमरान खान ने OIC को इकट्ठा करके और फिर मुस्लिम उम्मा के वज़राए खारजा को इकट्ठा करके, पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी जो इस वक्त बेगुनाह इमरान खान के साथ अडियाला जेल में पड़ा है, उसको UNO में भेजा था। और फिर UNO का वो मशहूर जुमला जो वहां पर शाह महमूद कुरैशी ने डीप पॉकेट्स कहा था, दुनिया ने देखा। और फिर वो जंग किस तरह रुकी, पाकिस्तान ने रुकवाई, इमरान खान ने रुकवाई। आज ये मामे चाचे बने हुए उम्मत मुस्लिमा के पाकिस्तान के लीडर हैं और ये कहते हैं कि इमरान खान यहूदी है, यहूदी इनके होते हुए इमरान खान को जो है वो और दुश्मनों की जरूरत नहीं है। पहली बात, इमरान खान के साथ मैं इसलिए हूँ कि वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की बात करता है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करता है, वो UNO के अंदर खड़े होकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की हुर्मत, नामूस और अजमत की बात करता है, वो वहां पर खड़े होकर इस्लाम की तर्जमानी की बात करता है। कोई और इस्लाम नहीं है, एक इस्लाम जो अल्लाह ने मोहम्मद सल्लम पर नाज़िल किया, जिसने इस्लामोफोबिया की बात करके UNO को मजबूर कर दिया कि इस्लाम के तहफ्फुज के लिए इस्लामोफोबिया डे जो है वो 15 मार्च को मनाया जाए और पूरी दुनिया उसको सेलिब्रेट करती है। मैं उस इमरान खान के साथ खड़ा हूँ।